अगर हम किसी की वेबसाइट की SEO करते हैं तो जब वो हमसे टाइम पूछता है कि भाई ये कितनी देर में हमारी SEO हो जाएगी, SEO का क्या मतलब है कि वो चाहता है कि मेरी वेबसाइट टॉप पर आए, मतलब वो ये चाहता है, इसलिए कि जब कोई बंदा उसकी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हो तो उस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी और उनमें से चंद वेबसाइट्स होंगी जो पहले समय पर होंगी। बेसिकली वो उन वेबसाइट से कंपटीशन करना चाहता है कि उसकी वेबसाइट उनसे ऊपर नजर आनी चाहिए। वेबसाइट का जो ऑर्गेनिक मेथड होता है वेबसाइट को ऊपर लाने का, वो तकरीबन 4 to 5 months का होता है, हम वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं। लेकिन वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए कॉन्टेंट भी बहुत मैटर करता है कि वेबसाइट के ऊपर हमारे देखिए वेबसाइट पे कोई भी चीज ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना हो। बेसिकली उसके कंटेंट में वो शामिल होना चाहिए जो लोग ढूंढ रहे हैं नंबर वन, और उसके कंटेंट में वो शामिल होना चाहिए जो गूगल रिकमेंडेशन देता है कि भाई अगर आपने कुछ लिखना है तो उसको लिखने का ये मेथड है, अगर आप इस मेथड के साथ उसको नहीं लिखोगे तो मैं आपके कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज नहीं करूँगा। ठीक है, ये एक मुख्तसर सी बात है कि हमें दो लोगों को देखना है, एक गूगल को और एक अपने क्लाइंट्स को। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी अवॉइड कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती, दोनों सूरतों में ही नहीं हो सकती। यानी SEO है क्या, ताकि कल को कोई बंदा SEO का क्वेश्चन ना करे, कम से कम SEO के ऊपर अगर मजबूत लिखना होना तो आप लिख सकते हैं। SEO का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि SEO है क्या चीज, और इस वक्त मैं प्योरली बात कर रहा हूँ SEO की वेबसाइट के हवाले से। ठीक है, विद कॉन्टेक्स्ट टू वेबसाइट, सिर्फ वेबसाइट के हवाले से मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वेबसाइट की SEO क्या चीज है। हमने वेबसाइट बना ली, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करवाने वाले लाहौर में इस वक्त कोई 20 इंस्टीट्यूट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग ऑफर करते हैं, या हम ये कह रहे थे 50 इंस्टीट्यूट हैं। अब उनमें से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्टेंट लिखते हैं तो 30 लोगों में से सिर्फ 7-8 लोग ऊपर आते हैं। इवन बाकी के जो 3-4 लोग हैं जो हमें 10 पेजेस नजर आनी है उसमें भी वो नजर नहीं आ रहे हैं, उसमें भी कोई और ऐसा बंदा नजर आ रहा है जो कि कॉन्टेंट कुछ मैच कर रहा है हमारे कॉन्टेंट के साथ, क्योंकि वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है तो मैचिंग की वजह से वो ऊपर आ रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वाले सब के सब नीचे वाले पेजेस पर गए। लेकिन एक डिजिटल मार्केटर ने शायद ये माइंडसेट बनाकर वो सब कुछ कर लिया हुआ है कि भाई मेरी वेबसाइट तो बन गई है, फाइन, मेरी अथॉरिटी हो गई गूगल के ऊपर, यही सोच के वेबसाइट बनाते हैं ना कि गूगल पर अपनी अथॉरिटी बना लें, इसीलिए हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन ऐसी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है, हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, यानी वो आपको किसी भी तौर पर बिजनेस नहीं दे सकते। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट बनानी है तो हमने वेबसाइट बनाते हुए अपना कॉन्टेंट उसमें ऐसा ऐड करना है जो ऑप्टिमाइजेबल भी हो, ये ना हो कि सिर्फ सिंपल सी वेबसाइट हो जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन बड़ी कम हो हमारे पास, क्योंकि जितना अच्छा और ज्यादा कॉन्टेंट होगा उतना ही हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन करने का चांस बढ़ जाएगा। यानी ज्यादा चीजें लिखी होगी तो उसके बीच में हम ज्यादा कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस होंगे तो हम बहुत सारे कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे भाई एक ही वेबसाइट है एक ही होम पेज है तो एक HTML की फाइल में आप कितने कीवर्ड्स को लगा सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास एक फाइल है एक वेबसाइट है उसके 5 टैब हैं, मतलब होम का टैब बना हुआ है, अबाउट अस का टैब बना हुआ है, गैलरी का टैब बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का टैब बना हुआ है, ठीक है, टैब बढ़ गए, टैब बढ़ने से क्या हुआ मेरे पास उतने ही टाइटल्स के ऑप्शन भी बढ़ गए, मतलब 5 पेजेस पर गया तो 5 टाइटल तो बन ही गए सीधे सीधे। सबसे पहला जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आपके टाइटल के टेक्स्ट में से हो रही होती है, जो सबसे क्विक ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटल के टैग में मैं ये अगर आपसे ये कह रहा हूँ भाई इसमें तो बस इतनी कैरेक्टर्स लिख सकते हो तो मल्टीपल कीवर्ड तो नहीं आएंगे, उसमें मल्टीपल कीवर्ड लगाएंगे तो भी वो ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, मोस्टली हम एक प्राइमरी कीवर्ड की बेस के ऊपर उसके ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बहुत सारे पेजेस की अपनी वेबसाइट के लिए जरूरत है, डिपेंड ऑन कॉन्टेंट, कॉन्टेंट कितने साल के तौर पर, जैसे हमें कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो एक एजुकेशनल वेबसाइट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज के बाती है, तो पीक सोशल वाले के लिए हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जानी चाहिए, हमारा होम पेज आए, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज लिखे तो भी आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखे तो भी आ जाए,
एफएससी के कोर्सेज लिखे तो भी आ जाए, इज इट पॉसिबल? क्या होम पेज आ सकता है इतनी सारी ऑप्शन से? नहीं आ सकता। होम पेज के ऊपर तो हम मेजर फोकस करेंगे ना अपनी प्राइमरी कीवर्ड पर, कि हमारा कीवर्ड कॉलेज जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। लेकिन अगर मैं 10 डिफरेंट कैटेगरीज में यानी कि 10 सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर अपने होम पेज को कैसे कर सकता हूँ? होम पेज को तो एक पेज को तो एक ही कीवर्ड पे करेंगे। हाँ, हम करेंगे क्या, कंप्यूटर कॉलेज की कैटेगरी हमारा होम पेज होगा, उसके ऊपर नो डाउट मटीरियल सारा होगा, लेकिन इसके साथ हमारा जो एफएससी की डिटेल्स हैं, जो एफएससी की क्लासेज हम ऑफर कर रहे हैं, जो आईसीएस की क्लासेज हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी तरह जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो क्लासेज हम ऑफर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है इंडिविजुअली क्या है वो, उसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी कोर्स आउटलाइन क्या होगी, उसके नोट्स, उसकी वीडियोस, इतना कुछ रखना है हमने, इसका हमने सब कुछ अलहदा अलहदा बनाया। अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी? मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक पेज, एक HTML फाइल का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट के ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, मेरे पास एक कीवर्ड हो और एक करने के लिए मैं कहूँ कि मेरे पास 15 कीवर्ड है, इतना मुश्किल हो जाएगा। मैं उन 15 कीवर्ड को कैसे इंसर्ट करूँगा अपने टाइटल में, कैसे इंसर्ट करूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में? तो मैं करूँगा क्या कि पहले मेन जो हमारा होम पेज होगा वो हमारी मेन सर्विसेज पर टारगेट करेगा, उसके बाद अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो उसका एक अलग टैब बना होगा, उसका ये फायदा होगा कि उसका टाइटल मुझे सेपरेट मिलेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे सेपरेट मिलेगी, वो उसके ऑप्टिमाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हमारा कोई क्लाइंट हमें कहे ना हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो आपको पता है ऑप्टिमाइजेशन की प्राइस डिपेंड करती है नंबर ऑफ कीवर्ड्स पर। यही 20,000 रुपए की हम आपके 4-5 कीवर्ड्स कर देते हैं, ठीक है, जो लोकल बात करें पाकिस्तान की रिगार्ड, हम तो बिना हमें कहता नहीं कि मुझे तो 20 कीवर्ड्स चाहिए, हम प्राइस बढ़ा देंगे। कहेगा नहीं हमें 30 कीवर्ड्स चाहिए, हम प्राइस और बढ़ा देंगे। नंबर टू, कीवर्ड्स ऐसे नहीं कोई बंदा कहेगा 5 कीवर्ड्स, कितनी कीवर्ड्स की वेबसाइट बनानी है, उसने कह रहा है 5 कीवर्ड्स, हमने कुछ फार्मूला बना के रखा हुआ है तो उसे प्राइस कोट कर देंगे। नहीं, हमें कीवर्ड को भी देखना पड़ेगा कि उसके कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, उसके मार्केट में कितने लोग हैं, ऑनलाइन कितने लोग हैं, कितनी ऐसी मिसाल के तौर पर पहले वेबसाइट के ऊपर एक कीवर्ड लगाते हैं आप तो 10 की 10 वेबसाइट्स उसी कीवर्ड के अगेंस्ट खुल जाती हैं और 4 वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हुई हुई है उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर उसने कोई ऐसा कीवर्ड आपको दे दिया जिसके ऊपर लोग अभी तक ऑप्टिमाइजेशन वाली साइट पर नहीं आए लेकर उसको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें हमें कम एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हमने कंपटीशन देखकर उसको बताना होगा कि भाई इसका कंपटीशन इतना है तो इस पर हमें इतनी एफर्ट लगेगी, इसमें इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इसकी प्राइस इतनी है। जिसके ऊपर आपकी कम एफर्ट लगेगी, उसके ऊपर आपके कम टाइम लगने, ठीक है, उसको आप सस्ता भी ऑफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बंदा कि ना मेरी वेबसाइट जब वो ऑप्टिमाइज है 4 कीवर्ड के ऊपर है तो मैं उसे कुछ स्टैंडर्ड प्राइस दे सकता हूँ, मैं उसे कुछ स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दे सकता, बल्कि मैं उसे ये कहूँगा कि आप मुझे अपने कीवर्ड भेजें, अपना URL भेजें, अपनी वेबसाइट भेजें, ठीक है, फिर मैं उसकी वर्किंग करके स्टडी करके आपको बताऊँगा कि इसके पर कीवर्ड हम क्या चार्ज करें, या आपकी वेबसाइट में अगर कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत है तो पहले मैं ये बताऊँगा कि इसको आपने कैसे अपग्रेड करना है, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन की करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा मोटा मोटा SEO का, ठीक लैंग्वेज में हमने SEO को डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा SEO है क्या चीज़, कि आप सब स्टूडेंट हैं, सारे डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है, सारे किसी डेवलपर के पास जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं जना मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट बना दो, कुछ सस्ता सा डेवलपर आपको मिलता है वो कहता है 4,000 रुपये की मैं सबकी वेबसाइट बना दूँ, ठीक है, आप सारे खुश होते हैं, अपनी वेबसाइट बना कर लगा कर घर में सो जाते हैं, कहते हैं जब आप गूगल पे लाइव हो गए, ठीक है ना, यही सोचेंगे, यही सोचते हैं ना गूगल पे लाइव हो गए, लेकिन आप वेबसाइट बनाने से तो गूगल पे लाइव नहीं हुए। आप जब तक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, किसी ऑप्टिमाइजर की सर्विसेज नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप लाइव नहीं हुए, ठीक है, आपको ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, सिर्फ वेबसाइट नहीं बनानी। अगर आपने सिर्फ वेबसाइट बनवानी है तो बेशक ना बनाए, उससे ज़्यादा अच्छा फिर ऑप्शन आप बिजनेस प्रोफाइल में रहें, उससे ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन है आप यूट्यूब पे रहें, उससे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है कि आप सोशल मीडिया पे, मतलब ये उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आपने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा। तो
वेबसाइट का होना तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है ही, लेकिन हमें ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना, अदरवाइज आप गूगल पर लाइव नहीं होंगे जैसे लाइव आपको होना चाहिए। नंबर वन। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन कितनी तरह की है। एक हमारे पास ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन है और एक होती है हमारे पास ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत अच्छी सी बात है, ऐसे ही इसको समझ लें कि एक मेरी ऑनलाइन क्लास है और एक मेरी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, मैं आपको कहीं और से बैठ कर पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में क्या होगा, यहाँ पर बैठ कर पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल इंटरेक्शन हो रही है। अब अगर हम वेबसाइट की तरफ जाएं तो ऑन साइट क्या है, ऑन साइट का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट का जो मटीरियल है, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है हमें। आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जो मैं ये कह रहा हूँ, हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें मुझे वेबसाइट का एक टाइटल, अगर मैं फिर ठीक बात करूँ, वेबसाइट का एक टाइटल है और वेबसाइट की एक बॉडी है और वेबसाइट का एक फुटर है, ऐसे है ना, तीन चीजें ना वेबसाइट पे आपको नजर आती होती है। टाइटल नजर आता है, यहाँ हम इसे कहते हैं ऊपर हेड नजर आ रहा था हमारी वेबसाइट का, बॉडी नजर आ रही होती है जिसमें हमारा सारा डाटा होता है, और फुटर नजर आ रहा होता है जो कि हमारी फुटर की चीजें उसमें आ रही होती है। हमने इन चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, तो इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या जरूरत है जी, इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें वेबसाइट के एक्सेस की जरूरत है। ऐसा एक्सेस जो एक डेवलपर के पास है 100% उसी तरह का एक्सेस, यानी एक डेवलपर ने जो काम किया हुआ है, जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए किया हुआ है, आपको वही वाला प्लेटफॉर्म भी चाहिए। ऑन साइट का मतलब यह है कि मैं उसका जो टाइटल का टैग है जो हमने पढ़ा है, हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, हम उसके जो हेडिंग स्टाइल्स के टैग्स हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होने हैं और किस तरह इस्तेमाल होने हैं, इसको हमने समझना है। हमारा जो होम पेज है, जो होम पेज का कंटेंट है, उसके अंदर जो हमने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो हमने किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, और उन पैराग्राफ्स में हमने जो अपना प्राइमरी कीवर्ड है उसको कितनी दफा इस्तेमाल किया है, बार बार भी इस्तेमाल नहीं करना, स्टफिंग नहीं करनी, बार बार भी इस्तेमाल नहीं करना, उसकी भी एक स्पेशल रेशियो होगी जो हम डिस्कस करेंगे कि आपने होम पेज पर कितना इस्तेमाल करना है, एक पैराग्राफ में कितना इस्तेमाल करना है। उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि एक लम्हे के लिए आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी, लेकिन उसके बाद उसको आपकी वेबसाइट लगेगी कि इसने स्टफ किया हुआ, रिपीट कर रहा है बार बार, और उससे आगे जा रहा है जो गूगल ने रिकमेंडेशन दी है, तो फिर वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी आपकी। नहीं, कीवर्ड की एक स्पेसिफिक रेशियो है कि कितने इस्तेमाल करना है, वो जब उस तरह जाते हैं सब चीजें करते हैं, क्योंकि चलो कोई प्रैक्टिकल टच नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको आज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद और कौन सा टैग है, इमेज का टैग, हमारी वेबसाइट पे कितने इमेजेस लगे हुए हैं, पूरी वेबसाइट पे कितनी तस्वीरें हैं। अब इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगर मैं कहूँगा क्या आपके इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है, तो अगर इसको समझ ना जाए कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या, करना क्या है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो मुझे ऑफसाइट करनी है कि ऑन साइट करनी है, सबसे पहले तो हम इस चीज का हल निकालें। हाँ, ऑफसाइट, ऑफसाइट के ऑन साइट, पहले तो ये फाइनल कर लें। ऑफसाइट, मैं भी ऑफसाइट की तरफ, और कौन कौन लोग ऑफसाइट, और कौन कौन है जी ऑफसाइट का मेरे साथ मिल जाए सारे, बस दो लोग, तो ऑन साइड के कितने लोग हैं, वो भी मेरे साथ मिल जाए, उनको भी मिला दूंगा अपने साथ। हाँ ठीक है, ऑन साइड का क्या मतलब है, ऑन साइड का मतलब ये है कि भाई साइड के ऊपर तो इमेज कहाँ लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है। ऑन साइट का मतलब वेबसाइट के ऊपर जो मटेरियल पड़ा हुआ है आपका, उसको चेंज करना। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई आपका जो टाइटल का टैग है वो ठीक नहीं लगा हुआ, उसे ऑप्टिमाइज कर लो, तो क्या कह रहा हूं करने को मैं, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। मैं ये कहूं कि आपने जो एच में हेडिंग स्टाइल यूज किए हैं अपनी वेबसाइट में, वो बहुत रॉन्गली इस्तेमाल किए हुए हैं, उन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है,
तो इसका मतलब है हम बात क्या कर रहे हैं इस्तेमाल करने की, ऑन साइट इस्तेमाल। अब रॉन्ग ही क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई किसी बंदे ने एक बुक कंपोज की है और उसके बाद प्रिंट करवा ली, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये बुक तो बड़ी गलत कंपोज हुई हुई है, इस पर तो हेडिंग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, उसे हेडिंग नहीं लिखे बल्कि हेडिंग को पैराग्राफ के अंदर ही शामिल कर दिया हुआ, यही है ना उसके अंदर रॉन्ग। सेम इसी तरह वेब पेज पर भी हमने ये देखना है कि हमने अपना जो पेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हेडिंग वाइज, यानी जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या हेडिंग वाइज वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और सम टाइम एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसकी एक मेन इंफॉर्मेशन है और एक आगे जो उसकी सब इंफॉर्मेशन है, ऐसी है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, मेन इंफॉर्मेशन होगी, उसके आगे मैं लिखूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके आगे मैं लिखूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सब हेडिंग्स, यानी कि एक मेन हेडिंग एक सब हेडिंग। अब क्या होगा, मेन हेडिंग कैसी होगी, थिक होगी, सब हेडिंग उससे हल्की सी थिन होगी, ऐसी है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो थिक से थिन की तरफ जाएंगे, यही हमारे पास सिक्स हेडिंग्स का एज है, यही हमारे पास सिक्स हेडिंग्स का एज है कि भाई जो सबसे मेन हेडिंग है वो बड़ी कर लो, तो इसका मतलब है वहां पर क्या लगा लोगे, हेडिंग्स का इसका भी बार बार इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे नहीं है कि आप मैं आपको कोई नोट्स बनाकर दूं तो सारी बीच में कोई चार पांच वर्ड लिखे हो जो हेडिंग्स में ना हो, बाकी सारी हेडिंग्स में, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक मेन हेडिंग होगी, उसके अंदर चार लाइनों का एक पैराग्राफ होगा, तो चार लाइनों का जो पैराग्राफ होगा क्या वो हेडिंग होगी, वो हेडिंग नहीं वो पैराग्राफ होगा, ठीक है ना। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी वेबसाइट में जो मेन चीजें जो हम टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं आप इसको और आसान कर दूं, मैं वो भाई जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हेडिंग में ले आओ, जो हमारे कीवर्ड्स हैं उन्हें हेडिंग में ले आओ, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उसको पैराग्राफ में ले आओ। समझ आ गई बात, हेडिंग टैग नहीं है, यानी उससे क्या होगा, गूगल को पता लग गया कि भाई आपने डिस्टिंग्विश कर दिया, गूगल कहता है कि आपके कीवर्ड्स जो है ना वो हेडिंग में नजर आ जाए, एक दफा मतलब हर दफा नहीं कि पैराग्राफ में भी हेडिंग ही चल रही हो, पैराग्राफ में हेडिंग नहीं मेन ऊपर हेडिंग हो, उसने उधर से कीवर्ड पिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे इमेज की बात कर रहे थे। सो इमेज का क्या है, हमें ये सारा ग्राउंड दे रहा हूँ, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना चाहिए, ये ना हो कि मैं छह दिनों के बाद कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जवाब देने में, लेकिन उसका इंटरेस्ट लेवल मुझे पता लग जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आज क्लियर करके जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, देयर इज नो प्रैक्टिकल, देयर इज नो प्रैक्टिस, बट देयर इज ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबने आज इतना क्लियर करके जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए, मैं हेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ तो उसको मैंने किससे जोड़ दिया जाकर, कीवर्ड से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं बात करने लगा हूँ इमेजेस की, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन में नंबर वन आपके इमेजेस कॉम्प्रेस होने चाहिए, ठीक है ना, नंबर वन आपके इमेजेस एमबीज में नहीं होने चाहिए, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने इमेजेस को किलो बाइट्स में लाएं, लेकिन ऐसे भी ना हो कि आपके इमेजेस के पिक्सल्स क्लियर ना हो, आपके इमेज क्लियरली नजर भी आने चाहिए और रिड्यूस भी होने चाहिए। इमेजेस के जो बेहतर फॉर्मेट है उनमें पीएनजी, जेपीजी और वेब पीक का एक फॉर्मेट है। अभी तक जो मोस्टली चल रहे हैं वो पीएनजी और जेपीजी चल रहे हैं, गूगल जो नया हमें फॉर्मेट रिकमेंड करता है दैट इज वेब पी फॉर्मेट। लेकिन अगर आप वेब पी में कन्वर्जन करें और पीएनजी भी आपके पास पड़ी हो और दोनों के फाइल साइजेस में आपको कोई खास डिफरेंस नजर ना आ रहा हो तो आप पीएनजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगे ना पीएनजी फाइल बना ली वो भी 170 किलो बाइट्स की बनी और वेब पी फाइल बनाई तो भी 170 किलो बाइट्स की बनी, कोई फर्क तो नहीं नजर आया, ठीक है, फाइन कि आप PNG यूज करो, PNG इज मोस्ट रेकमेंडेड। अगर आप PNG को JPG से कंपेयर करें तो PNG, फोटोशॉप में सेव करते हैं तो भी ऑप्शन आ जाता है PNG का, तो आपने मोस्टली अपनी फाइलों को PNG में करना है। लेकिन आपको अगर कभी वेबसाइट की स्पीड चेक कर रहे हो और वेबसाइट स्लो दिखे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें PNG से भी कोई एडवांस फाइल के फॉर्मेट की जरूरत है। नंबर वन एक ऑप्टिमाइजेशन तो ये होगी, यानी अब ये ऑप्टिमाइजेशन कौन करेगा, ऐसे तो नहीं कि एसईओ वाले के पास आकर आपने ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, आपने जब वेबसाइट बनवानी है तो आपने उसे यही कहना है कि भाई मेरे इमेजेस ऑप्टिमाइज होने चाहिए, इसी है ना। मिसाल के तौर पर मेरे पास 64 MB की एक USB है, मैं उस पर कुछ डाटा कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो आप कहते हैं यार इसको कंप्रेस कर लेते, यही सोचते हैं ना सबसे पहले,
क्यों सोचते हैं कंप्रेस करने का, इसलिए सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क में आ जाए। सेम इसी तरह जब आपने वेबसाइट बनवानी है तो इमेजेस के हवाले से पहले इंस्ट्रक्शन उसको ये देनी है कि मैक्सिमम कंप्रेस इमेजेस होने चाहिए, ये डेवलपर ने पहले से ही कर लेने हैं, अदरवाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का काम पड़ेगा, वो फिर रिडायरेक्शन देगा उसको कि भाई आपने इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं किया। हो सकता है कि अगर आप उसे ना कहें तो एमपीज में भी आपकी फाइलें लगा दें, और अगर एमपीज की फाइलें लगी होंगी तो आपकी वेबसाइट की क्रॉल करने की जो एबिलिटी है वो ना होने के बराबर रह जाएगी। ठीक है, एक तो ये ऑप्टिमाइजेशन होगी, सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको क्या बताई। उसके बाद आपके जो इमेजेस हैं, मिसाल के तौर पर हमारा एक इमेज है वेबसाइट पीक सॉल्यूशन के पेज पर, एक इमेज नजर आता है जिस पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या लिख लेते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एसईओ एक्सपर्ट, एक बोर्ड बना हुआ बैनर बना। अब इस इमेज का नाम मैंने रख लिया 1.jpg, क्या ख्याल है, ऐसी होता है अगर आप वेबसाइट को खोल के देखेंगे तो ऐसी नाम रखते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स में ना, अगर तो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर से उन्होंने पहले रब्ता किया होगा तो वो उनको बताएगा कि भाई नामों में भी कीवर्ड डालने हैं आपने, फाइल नेमिंग में भी आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, वो वाली फाइल जिस कीवर्ड के लिए आपने बनाई हुई है। अब मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ इमेजेस की बात कर रहा हूँ, अगर हम HTML को देखें तो HTML को भी ऐसे ही करना है, xyz.html फाइल का नाम नहीं रखना, फाइल का नाम रखना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर .html। फायदा क्या हुआ, नाम में भी कीवर्ड ऐड करके हमने, सेम इसी तरह इमेज में भी हमने कीवर्ड को ऐड कर दिया। उसके बाद इमेज की बात हो रही है, इमेज का जो आर्ट का एट्रीब्यूट है हमने सीखा है, मैंने सिखाया आपको, अगर आपने आर्ट के एट्रीब्यूट को खाली छोड़ा हुआ है या यूज ही नहीं किया हुआ तो ये भी एक बैड फैक्टर है आपकी एसईओ के ऑप्टिमाइजेशन का। हम सबसे पहले जब ऑन साइट में आते हैं टाइटल देखते हैं और इमेजेस को देखते हैं, मैं सबसे पहले भर लेते, इसलिए कि टाइटल में थोड़ा टेक्स्ट है लेकिन उसने फौरन आना है, ये कहा ना मैंने आपको सबसे पहले टाइटल आता है आपको, अगर आपको वेबसाइट ढूंढे तो भी टाइटल ही नजर आ रहा होता है। इसी तरह इमेजेस में ऑप्शन बढ़ जाता है आपका कीवर्ड का, क्योंकि एक वेबसाइट का होम पेज है उसमें अगर 10 तस्वीरें हैं तो कितना ऑप्शन हो गया ऑप्टिमाइजेशन करने का आपके पास, तो सबसे पहले हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज करें, आर टैग यूज करें, और आर टैग के साथ अगर चाहे तो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइटल का एट्रीब्यूट यूज करें। टाइटल का एट्रीब्यूट क्या मतलब है कि कोई भी इमेज पे माउस रखेगा तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाना, जैसे गिफ्ट नजर आता है, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो भी आपका कीवर्ड होगा, वो भी हमारा कीवर्ड होगा। एलिमेंट दो चीजों की ऑप्टिमाइजेशन आपको बता दी, कौन सी दो चीजें, हाँ जी इमेज टाइटल, और तीसरे नंबर पर हेडिंग H1। अच्छा उसके बाद और क्या चीज है हमारे पास, एंकर्स, ये आपको बहुत ही ठीक ठीक चीजें बता रहा हूँ जिनके ऊपर आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करनी है, जहां से हमने शुरू करनी है। एंकर का टैग आपका एक वेब पेज बना हुआ है, होम पेज है, आप कितने एक्टिवली और कितने क्लेवरली उसके ऊपर इंटरनल लिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इंटरनल लिंक्स की भी जरूरत है, आपको एक्सटर्नल लिंक्स की भी जरूरत है। एक्सटर्नल लिंक्स का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के अलावा किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक मगर वो मैच रखता हो आपके पैराग्राफ से, ये नहीं है कि ऐसे ही आपने विकिपीडिया का लिंक दे दिया, किसी ना किसी लॉजिक के साथ उस लिंक पर जाना है आपने, किसी रिलेशन के साथ जाना है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूं कि किसी टूल के मुताबिक हम लिख रहे हैं और लिखते लिखते हमने कहा कि इसकी डिटेल्स और भी आ जाएंगे, हमें पता है यार ये तो विकिपीडिया पर भी इसकी डिटेल्स पड़ी हुई, तो हम एक लिंक एक्सटेंडर उसका दे देंगे। यहाँ हम यू भी कर सकते हैं कि हमारी अपनी 10-12 और वेबसाइट चल रही है तो हम उनका लिंक्स देंगे। और इंटरनल लिंक्स का क्या मतलब है, इस वक्त जो मैं इंटरनल लिंक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनल लिंक्स इनर लिंक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो हैक से बनाते थे ऐसे है ना, मैं इंटरनल लिंक्स का बता रहा हूँ कि आप होम के पेज पर हैं तो अबाउट अस का लिंक, आप अबाउट अस के पेज पर हैं तो आपकी गैलरी का लिंक,
आप कॉन्टेक्ट अस के पेज पर है तो आपके होम पेज पर है, यानी आपने अपनी वेबसाइट के अंदर होम पेज के थ्रू ही उसको घुमा देना है। ठीक है, अभी मैं ब्राउजर की बात करूंगा तो एक हाइपरलिंक्स के वाले से भी एक बात करूंगा ब्राउजर की। ठीक है, यानी हमने एंट्रेंस का भी प्रॉपर इस्तेमाल करना है, और हमने अगर सारा कुछ तो नहीं लिखा हुआ ना आपके होम पेज पे, सब कुछ तो लिख नहीं सकते आप, तो आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके उसको फिर कहाँ लेकर जा रहे हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देके उसे कहाँ लेकर जा रहे हो, अपने किसी पेज के ऊपर जो उसे रेलिवेंट पेज है। ठीक हो गया, ऑन साइट एसईओ की बात, ये हमने कुछ ठीक ठीक चीजें देखी, चोर चीजें भी देखेंगे ऑन साइट एसईओ। दूसरी जो एसईओ होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, ऑफ साइट एसईओ, उसको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। उसके बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल हैं और हम ऑन साइट एसईओ जल्दी अवेलेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ क्या है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिक होती है और कुछ पेड होती है। ऑर्गेनिक जो होती है लिंक बिल्डिंग, वो आपको कम से कम 4 महीने में एक्टिवेट, मिनिमम 3 से किसी भी एसईओ में 4 महीने का टाइम लगता है। कि आपने जो लिंक बिल्डिंग करनी है, जो ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग होती है वो 4 महीने से पहले इफेक्टिव नहीं होती, जो पेड लिंक्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई भी ऑप्टिमाइजर पेड लिंक का रेफर कभी भी किसी को रेफरेंस नहीं देता कि भैया पेड लिंक्स है, वो आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, वो लॉन्ग लाइफ भी नहीं होते। ये भी हो सकता है कि एक बंदा पेड लिंक आपको दे रहा है, पेड लिंक उसने आपको दिया हुआ है कुछ देर के लिए, आप चल रहे हैं, बाद में पता लगे उसका लिंक ही फारिग हो गया। हमें एक तो अब ये कैसे लेना, हमने इसका भी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि हमने किसी बंदे से लिंक उठा लिया, 10 लिंक उठाए, 4 महीनों के बाद पता लगा कि वो वेबसाइट डाउन हो गई, तो उसका उसके डाउन होने का असर उसको तो जो पड़ा है जो पड़ा है, वो हमारी वेबसाइट पे बहुत बड़ा उसका असर पड़ा है। हमारी वेबसाइट पे उसका बहुत गहरा असर आएगा, डैमेज करेगा ऐसा लिंक। सो जब आप लिंक्स बना रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस साइंस के साथ आप लोगों ने लिंक्स ऐड करना है। ठीक है, लिंक, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसने 4 महीने लेने हैं तो हम एसईओ शुरू करते ही लिंक बिल्डिंग को साथ शुरू करेंगे, वो आप लोगों ने साथ कर दिया ताकि हम उसके रिजल्ट 1-2 महीने के बाद हम देख सकते होंगे हमने जो किया था कहीं हमें उसका असर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन लिंक बिल्डिंग हम शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था बिजनेस प्रोफाइल, पढ़ी थी ना, इट इज अ टाइप ऑफ साइटेशन। साइटेशन साइटेशन का क्या मतलब है कि किसी की वेबसाइट है, किसी कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसमें आपका कंपनी का नाम मौजूद है। ठीक है, उसमें आपका नाम मौजूद है, आपके ऑनर का नाम मौजूद है, मोबाइल नंबर मौजूद है, वेबसाइट मौजूद है, यही काम कर रहे थे। अगर हम देखें प्रोफाइल में यही काम किया हम सब ने, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी बिजनेस प्रोफाइल्स हैं जिन्हें हम साइटेशन साइट बोलते हैं। उधर जाकर हमने क्या करना है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, उस जगह पर जाकर हमने सिर्फ यही चीजें ऐड करनी है। और याद रखना है कि ये जो हम बना रहे हो ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल से क्लैश ना कर रहा है, ये ना हो कि बिजनेस प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर कुछ और है, साइटेशन में जाकर आप कुछ और दे रहे हैं और वेबसाइट पर कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी गुडविल नहीं बना पाए, साइटेशन साइट भी आपकी वैलिडिटी जो कर रही होती है वो आपकी बिजनेस प्रोफाइल से और आपकी वेबसाइट से। सो अगर दोनों जगहों पर अलग-अलग इंफॉर्मेशन दी होगी, मैं गूगल ऐड चलाऊंगा तो उसने मेरा मोबाइल नंबर मेरी वेबसाइट से वेरीफाई कर, अगर वेरीफाई हो जाएगा तो मेरा ऐड चल पड़ेगा, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो ऐड नहीं चलेगा। यानी गूगल ऐड भी आपकी वेबसाइट, इवन मैंने ऐड वेबसाइट पर उसने वेरीफाई किया लेकिन मैंने वेबसाइट का ऐड नहीं चला रहा, मैं ऐड चला रहा हूँ कॉल ऐड, सिर्फ कॉल ऐड चला रहा हूँ, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन किसने जाकर आपकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई है, लिंक बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कुछ आर्टिकल राइटिंग की साइट को देखना है जहाँ पर आर्टिकल लिखे जाते हैं। हमने कुछ फोरम्स को ज्वाइन करना है, एक फोरम है जो सब बहुत अच्छा फोरम है, डेट इज रूपा, रूपा के नाम से रूपा। ठीक है, इसको रूम है आपने स्पेलिंग नहीं बताने का। ठीक है, इसके ऊपर अकाउंट बनाएं, इसके ऊपर अकाउंट बनाकर जाकर इसमें
आपके एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग, ठीक है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, क्लासिफाइड को इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपकी सर्विसेज है उन्हें क्लासिफाइड पे लेकर आए, फ्री क्लासिफाइड पर लेकर, ठीक है, ओवल एक्स पे तो फ्री नहीं रहा, दो चार एड भी रखा फ्री करते हैं, क्लास एप पर चले जाए, बोली पर चले जाए, बेशक सेल करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहेंगे मैं लिखूँ पिज्जा ओवन, तो पिज्जा ओवन की सारी वेबसाइट आ जाएगी सामने, सबसे ऊपर कौन सी आएगी, चले पिज्जा ओवन भी छोड़ देते हैं, आई वॉन्ट टू सेल माई मोटरसाइकिल, हाँ ये लिख दिया मैंने, सबसे ऊपर कौन सी साइकिल आएगी, ओवल एक्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं भी एक वेबसाइट बना दूँ जिसमें मैं लिख के लगा दूँ जी मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूँ और एस सी ओ भी कर दूँ, तो मैंने एस सी ओ बनाई थी 5 महीने पहले उसकी, लेकिन जो ओवल एक्स के ऊपर मोटरसाइकिल के चार लग रहे हैं, ठीक है, वो मेरे बोलते बोलते भी छह दो लग गए, ऐसे ही है ना। तो अगर आप ये क्लासीफाइड की आइडिया, अगर आप क्लासीफाइड पर जाकर अपना कॉन्टेंट ऐड करेंगे तो क्लासीफाइड खुद ही एसईओ करने लगा हुआ आपकी, उसकी एसईओ की वजह से आपका कॉन्टेंट वहां पर दिखना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट से ऊपर आपकी ऑफर क्लासीफाइड में आपको नजर आना शुरू हो जाए, क्लाइंट मिल गया आपको, ट्रैफिक भी मिल गई, सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी ना, उधर फिर हम इंटेलिजेंटली जाकर अपने यूआरएल वगैरह उसको बताएंगे, अगर नहीं भी बताएंगे तो एक दफा वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा तो अगली दफा हमारे यूआरएल पर ही आएगा, तो अगर हमारी विजिबिलिटी अच्छी नहीं हो रही तो क्लासिफाइड पर धड़ाधड़ स्टार लगेंगे अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको लग रहा है यार हमारी प्रोडक्ट सेल भी होती है हमसे, ठीक है, क्लास ऐप पर चले जाओ, बोली पर चले जाओ, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ओएलएक्स पे लगता है कि पेड है छोड़ने वाले ओएलएक्स पे ना करें, किसी और वेबसाइट पे, ठीक है। सो जितने भी वेबसाइट्स हैं, बल्कि इसका तरीका ये है कि 10-12 चीजें ढूंढने पहले गूगल पे और देखें कि कोई भी चीज ढूंढते हुए कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो ऊपर आती है नजर, कौन सी पॉपुलर क्लासिफाइड आपको नजर आ रही है, उसके ऊपर जाकर आप भी अपने एड्स लगाने शुरू हो, ठीक है, तो उधर से भी आपकी सेल बढ़ेगी। हाँ जी, लिंक बिल्डिंग हो गई, साइटेशन हो गई, साइटेशन और लिंक बिल्डिंग, ये तो मैंने पैरेलल एसईओ के साथ शुरू करना है, यानी जब मैं रोजाना एसईओ करूंगा तो मैं आपको एक दो बार लिंक बिल्डिंग करने के लिए आपके पास किसी का सी पैनल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, सी पैनल होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ उसके लिए कॉन्टेंट आपको दूंगा कि भाई ये वाला कॉन्टेंट है, तो ये वाले कॉन्टेंट को आप लोगों ने जाकर इतने लिंक्स बनाने और रिपोर्ट बना के लाने, ना इसका तरीका क्या होगा, मतलब अगर आप 25-30 लोग हो तो सब लोगों को ही मैं 50 लिंक्स दे दूं कि भाई यहां पर जाकर हमारी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो, लिंक तो एक ही ऐड होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम कहेंगे भाई 7 लिंक्स है, इसके ऊपर आपने लिंक बिल्डिंग करनी है, ये अगले 8 लिंक्स है, और जब हम कहते हैं ना लिंक बिल्डिंग करनी है तो ये लिंक्स हमें कहां से मिलते हैं, ये गूगल से मिलते हैं, और हम जब ढूंढते हैं तो ऐसे भी होता है कि इनमें बहुत सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं रहे होते, किसी टाइम पर एक्टिव होते हैं, सो अगर हमें कोई बंदा एक्टिव लिंक ना मिले हम इसे इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, दूसरे लिंक पे काम कर लेंगे, बहुत सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ अर्सा पहले फ्री थे, अब वो पेड की कैटेगरी में चले गए होते हैं, सो अगर आपका क्लाइंट उस पर पैसे लगा सकता है, क्या अगर उसका बजट है पैसे लगाने का, आप उसे पूछे ना ये पेड लिंक आ रहा है ये दूसरा लिंक नहीं है, इससे भी आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा असर, यानी बेसिकली होता क्या है, आप जब लिंक करते हो तो आप किसी और की रैंकिंग को स्कोर को शेयर कर लेते हो अपनी वेबसाइट के लिए, मुख्तसर सी बात है, मतलब एक वेबसाइट है जिसका स्कोर बहुत अच्छा है रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल भी नए, आपने क्या किया, आपने लिंक बिल्डिंग का सहारा लिया और आपने बहुत सारे लिंक्स बना दिए, मैं कहता हूँ आपने कोई 500 लिंक्स बना दिए अपनी वेबसाइट पर, अब आप क्या कर रहे हो, उन 500 वेबसाइट्स का जो स्कोर है ना वो भी शेयर कर रहे हो, स्कोर शेयर करने का मतलब ये नहीं वो माइनस होता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी रेटिंग थोड़ी सी
उसके इस्तेमाल की वजह से ऊपर आ। उसके बाद एक टर्म होती है जिसको हम आगे जाकर देखेंगे, डोमेन अथॉरिटी। एक टर्म होती है पेज अथॉरिटी, ये कैसे इंप्रूव होती है इसको भी हम देखेंगे। डोमेन अथॉरिटी का क्या मतलब है, मेरी वेबसाइट का नाम है ना teachsolution.com, तो इसकी डोमेन नेम है, इसकी अथॉरिटी को बढ़ाना। उसके बाद इसके अंदर हमने एक डाटा स्टोर किया हुआ, एक होम पेज बनाया हुआ है, वो उसका कॉन्टेंट कितना अच्छा है, ये हमारी पेज अथॉरिटी है, हमारे पेज की कितनी अच्छी अथॉरिटी, इस पेज के ऊपर क्या लिंक्स किस तरह के पड़ेंगे, ठीक है, इसको डिटेल से हमने पढ़ना है, इन चीज़ों को भी हमने डिटेल से पढ़ना है। हाँ जी, इसके बाद अगली बात कर लेते हैं क्रॉलर की, ताकि क्रॉलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्रॉलर क्या होता है, देखिए हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम दो तरह के लोगों के लिए, यानी दो जगह सर्व करने के लिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं। पहला सर्व हमने किसको करना होता है, क्लाइंट्स को, और दूसरा सर्व हमने करना होता है गूगल के क्राउलर से, क्योंकि हम कह रहे हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और हम मोस्टली किसके लिए कर रहे हैं, हम मोस्टली अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं गूगल के लिए। सो इसलिए हम जब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा गूगल क्रोम की बात करेंगे, और इसका जो क्राउलर है, इसका जो बॉट होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो अब हमने ये भी देखना है कि हमारे पेज पे कंटेंट इस तरीके से आना चाहिए कि गूगल का जो बोट है वो हमारे पेज को क्रॉल करे। बेसिकली होता क्या है कि आपके जो रैंकिंग आ रही है गूगल में, आ रहे हैं आप नजर, अभी मैं गूगल की सर्च बार में जाऊं, SERP पता है किसको कहते हैं, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन वो एक बार सी नहीं आती बड़ी सी गूगल पे जाकर उस पर कुछ टाइप कर देते हो तो नीचे सब कुछ आ जाता है ना, इस कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहलाता है, इसे हम बोलते हैं सर्च SERP, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो हम वहां पर कुछ टाइप करते हैं तो वहां इंडेक्सिंग आती है हमारे पास जी, वहां पर इंडेक्सिंग आ जाती है, किसी को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बात करूं तो मुझसे पूछ सकते। हाँ जी, इंडेक्सिंग किसे बोलते हैं, वो एक बॉक्स में गया मैंने, वहां पर जाकर मैंने लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टीचर इन लाहौर, लिख दिया, हाँ वही करो, बेस्ट डिजिटल सर्च इंजन, यानी इसको बोलते हैं SERP। चलो आगे सामने आपके ये जो पेज है, दिस पेज कॉल्ड सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यहाँ पर रिजल्ट पेज कुछ भी नहीं है, कुछ सर्च करेंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है ना। सर मैं यहाँ लिखूं ये जो मैं टर्म लिख रहा हूँ, अब आप देख रहे हैं कितनी सारी इंडेक्सिंग आई है, कितने सारे इंडेक्सेज हमें नजर आने शुरू हो गए स्क्रीन के ऊपर, मतलब कितने सारे इंप्रेशन नजर आने शुरू हो गए, जितनी सारी सर्च टर्म्स नजर आने शुरू हो गई है। मैं इन्हें कीवर्ड नहीं कहूंगा, ये कीवर्ड्स नहीं है, ये की फ्रेजेस हो सकते हैं, ये सर्च टर्म्स हो सकती हैं, मगर ये कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स हमने खुद बनाने हैं। हमने इन फ्रेजेस को देखकर हमने देखना है कि भाई कौन से फ्रेजेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, फिर हम गूगल से पूछेंगे कि भाई ये वाला सर्च हो रहा है तो हमें कीवर्ड बताओ, फिर वो हमें बताएगा कि इसके लिए ज़्यादा मुनासिब कीवर्ड ये वाला है, लेकिन इसका इतना कंपटीशन है और ये इतना सर्च होता है, फिर हमने देखना है कि हम किस कंपटीशन पर जाएंगे, यानी हम कहते हैं कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो कंपटीशन कम हो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो कंपटीशन हो ना, तो बड़ा आसान हो गया SEO करना, बिल्कुल है ना, अपनी मर्जी के कीवर्ड दें अपने क्लाइंट्स को कि जनाब ये सर्च वॉल्यूम है ये इसका, ठीक है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कल ही याद हो जाएगा कोई लिखेगा ही नहीं कुछ, और ठीक है ना, लोकल सा नाम रखें जमीर इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो जमीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो आप देखना सामने आओगे तो वेबसाइट बनी होगी तो खुद ही आ जाएंगे आप सामने, भाई ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं की ना आपने, हाँ आपने तो ये देखना है ना कि बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोवाइडर इन लाहौर तो जमीर इलेक्ट्रॉनिक्स भाई ये काम करते हैं, तो उसको ये कीवर्ड देना है हमने, उसको इस तरह बनाकर देना है। तो इसके लिए हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करेंगे, उनमें एक गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, और भी बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे, और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी यूज करेंगे, मतलब सिर्फ प्लानर ही नहीं बल्कि कुछ क्विक रिजल्ट्स के लिए भी यूज कर लेंगे। बड़ा आसान तरीका होता है, देख लेते हैं कि भाई ये जो कीवर्ड की फ्रेज इसने दिया है कितनी वेबसाइट्स हैं जो इसके ऊपर ऑप्टिमाइज हुई है,
फिर हम ये देखते हैं कि पहले तीन नंबर पर जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनका कीवर्ड कौन सा है, कितना आसान हो गया हल निकालना। प्लानिंग भी करनी है, कीवर्ड प्लानिंग भी करनी है, लेकिन उसके बाद उनको देख लेना है। फिर हमें देखना है कि भाई ये जो कीवर्ड दिया है किस हिसाब ने मुझे, मिसाल के तौर किसने दिया मुझे कमर्शियल पिज्जा ओवन, मैंने कहा ये देखता हूँ ये कीवर्ड कितना अच्छा है। तो जिसने भी अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज की होगी उसने कहाँ इस्तेमाल किया होगा, इसे अपनी वेब पेज में किस जगह पे इस्तेमाल किया होगा, मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि बेस्ट कमर्शियल पिज्जा ओवन का एक कीवर्ड है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा कीवर्ड है, मैं वेबसाइट में यूज कर लेता हूँ। हाँ, उसने किसमें यूज किया होगा, टाइटल में, है ना, टाइटल ही में लिखा था ना सबसे पहले ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो मैं ट्रैक यही चेक कर लूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे ऐसी वेबसाइट दिखा दो जिनके टाइटल में ये काम इस्तेमाल हुई, वो मुझे दिखाएगा जितनी भी वेबसाइट होगी, 10 होगी, 50 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, जिन्होंने टाइटल में यूज किया होगा। पूरी तौर पर आपको कंपटीशन पता लग गया, एकदम कंपटीशन का ट्रैक पता लग गया, लेकिन हम टूल्स के साथ भी कंपटीशन को चेक करेंगे और ये टेक्निकल तरीके से भी चेक करेंगे। की फ्रेजेस चेक करनी होंगी तो क्या करेंगे, नीचे से भी कर लेंगे, कितनी सारी फ्रेज और आगे एंड पर और भी आगे, ये कीवर्ड्स नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ ये भी कीवर्ड्स नहीं है, ये भी कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है। कीवर्ड हमें मिलेगा किसी के टाइटल से और वो वाला लेंगे जो टॉप पर भी होगा, ये ना हो कि उसने वेबसाइट ऑप्टिमाइज ही नहीं करी क्योंकि दूसरा कीवर्ड लिखा हुआ उसमें, जो पहले तीन नंबर पर आ रही होंगी ना उन्हीं को हमने कंसीडर करते हुए बनाना है, तभी हम उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्राउलर क्या करेगा, ये जो बातें हमने सारी की हैं अगर हम इन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पर आएगा और रुकेगा। बेसिकली क्राउलर का एक क्राउलर इज अ सॉफ्टवेयर, गूगल का अपना सर्च इंजन का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुद से विजिट कर रहा है, आप समझ लो कि परिंदा है जो यहाँ घूम भी रहा है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, सबकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं, यूँ कह लो जैसे एक कैमरा लगा हुआ है आपको रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सबका पता लग रहा है कौन क्या कर रहा है, ये कैमरा यूँ घूम ही जा रहा है, कभी इधर को जाता है, लेफ्ट पे जाता है, राइट पे जाता है, पूरा 360 एंगल पे घूम रहा है, तो 360 एंगल में हर किसी की मूवी तो नहीं बन रही, पार्टी बन रही है ना, इसी तरह क्राउलर भी घूमने लगा हुआ है आपकी वेबसाइटों के ऊपर, और वो ये देखता है कि जो लोग सर्च करने लगे हुए क्या सर्च करें, फिर वो देखता है कि कौन लोग हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे की वेबसाइट है जो मोबाइल पर नजर ही नहीं आ रही है, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, ये है लेटेस्ट क्राउलर का स्टैंडर्ड, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स वेबसाइट होनी चाहिए आपको, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स का मतलब क्या है कि उसने सबसे पहले देखना है कि इसकी क्रॉलेबिलिटी मोबाइल पर है कि नहीं है, अगर आपके वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी डेस्कटॉप पर बहुत अच्छी है और मोबाइल पर अच्छी नहीं है 50% है तो आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं होगी, यानी उसने पहले क्या क्रॉल करनी, ये पहले पुरानी बात नहीं है, ये नई बात है, उसने सबसे पहले क्रॉल करना है आपको मोबाइल पर आकर, अगर आपकी वेबसाइट पे मोबाइल एरर्स हैं तो आपको सबसे पहले डेवलपर से कहकर उन एरर्स को रिमूव कर दें, ठीक है। इसी मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सर्च कंसोल, जिसका मैं पहले नाम भी ले रहा था, आप लोग सर्च कंसोल से जाकर भी अपनी वेबसाइट को यूज करवाते हैं, याद है ना, सर्च कंसोल को भी यूज करेंगे, गूगल एनालिटिक्स को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आज एक मैंने बिल्कुल जैसे फर्स्ट लेक्चर दिया था आपको एक ओरिएंटेशन का, ये है प्योरली ओरिएंटेशन थी एसईओ की, और कल से हम लोगों ने एसईओ पे काम शुरू करना है, लेकिन जो हमने काम एसईओ पे शुरू करना है उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए ना, ऐसे ही ना, क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।